भारत सरकार द्वारा जेएनके यूटी को दिए गए इंडस्ट्रियल पैकेज को पैंथर पार्टी सुप्रीमो हर्षदेव सिंह ने जम्मू की जनता के साथ भेदभाव बताया। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में हर्षदेव ने कहा कि सरकार का जम्मू के प्रति ये भेदभावपूर्ण रवैया अपनी सभी सीमाओं को लांघ चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के उपलक्ष्य पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली गांधीनगर गोल मार्केट से शुरू होकर बाहू प्लाजा विवेकानंद चौक में संपन्न हुई। भद्रवा के छात्रों द्वारा 22 जनवरी 2021 को होने जा रही परीक्षाओं को पोस्टपोन किए जाने की मांग का एबीवीपी ने अपना समर्थन देते हुए आज भद्रवा में प्रदर्शन किया। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिंपल द्वारा नया किसान कानून बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मूवमेंट द्वारा नए किसान कानून की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। जम्मू वार्ड नंबर 12 कृष्णा नगर के आंगनबाड़ी सेंटर में चेयरमैन सोशल जस्टिस कमेटी श्री जीत लाल अंगराल तथा पार्षद आकांक्षा कल्सोत्रा की अध्यक्षता में पूरे हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। जिला श्रीनगर के ISMUD लाल बाजार में आयुष के असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में फ्री मेडिकल कैंप कम अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य लोगों को मुफ्त में दवाएं तथा चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाना था, जिसका स्थानीय नागरिकों ने पूरा लाभ लिया। नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य पर NSS यूनिट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कालाकोट तथा रेड रिबन क्लब द्वारा संयुक्त रूप से COVID-19 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। GDC कॉलेज के छात्रों द्वारा कालाकोट के विभिन्न गांवों में घर घर जाकर COVID-19 महामारी के प्रति लोगों को किस तरह की सावधानियां रखनी जरूरी है के बारे में जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू वेस्ट ने भी आज स्वामी विवेकानंद की 158वीं बर्थ एनिवर्सरी पर पार्टी कार्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के उपलक्ष्य पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का ये दिन देश और दुनिया को प्रेरणा देता है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे मांस और अंडे के व्यवसाय पर बर्ड फ्लू का साया मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ चिकन की डिमांड में कमी आई है बल्कि इसके रेट भी गिर गए हैं। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू की कोई खबर नहीं आई है, बावजूद इसके लोगों में एहतियातन मांस और अंडे से दूरी बनाई जा रही है। लोकतांत्रिक देश भारत, जहां विभिन्न धर्मों के लोग, जनजातियां और विभिन्न धर्मों के द्वारा मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार, पूरी दुनिया में मात्र एक भारत देश ही है जहां हर धर्म समुदाय को अपने त्यौहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की आजादी है। लेकिन बीते साल 2020 में कोरोना महामारी COVID-19 ने लोगों से ये अधिकार छीन लिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने त्यौहारों को मनाया नहीं, त्यौहार मनाए गए लेकिन अपने घरों में बंद रहकर। पर त्योहारों की जो खूबसूरती अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने समाज के साथ मनाने में आनंद मिलता है, वो कहीं ना कहीं लोगों ने मिस किया। लेकिन ये जरूरी भी था ताकि सब सुरक्षित भी रहें। अब 2020 बीत चुका है, नए साल का आगाज भी हो चुका है और लोगों में नई उम्मीद, नई आशा जगी है कि ये नया साल नई खुशियों को लेकर आएगा। नए साल का पहला त्योहार लोहड़ी का लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। बाजारों में लोहड़ी के त्योहार की खरीदारी खूब जोरों से चल रही है। बाजारों में काफी भीड़ भी देखी जा रही है और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये साल सबके लिए खुशियों भरा हो और हर कोई अपनी अच्छी सेहत के साथ अपने त्योहारों का लुत्फ उठाए।